छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें हार की वजहों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हम निराश हैं, लेकिन हताश नहीं। हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है, जो कि छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे लोकसभा चुनाव है, सभी साथियों ने आला नेताओं को भरोसा दिलाया है कि ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आएंगे। शैलजा ने आगे कहा कि राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया चैनलों के एग्जिट पोल के मुताबिक हमारी सरकार बन रही थी, इसमें कई हद तक सच्चाई भी थी, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, जो कि छोटी बात नहीं होती। 5 साल सरकार रहने के बाद वोट परसेंटेज को बरकरार रखना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इस चुनाव के बारे में समीक्षा की, अपने विचार रखे, अपनी बातें कही, बहुत स्पष्ट रूप से सबने अपने अपने व्यूज यहां पर दिए। ये बात जरूर है कि हम चुनाव हारे, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगी कि कोई भी सर्वे, चाहे आपका नेशनल मीडिया हो चाहे रीजनल मीडिया हो, कोई भी एजेंसी हो, हर एक ने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और शायद किसी हद तक आप सही साबित भी हुए, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज विशेष कम नहीं हुआ है। हमारा वोट परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले उतना ही रहा है, जो कि कोई छोटी बात नहीं होती। 5 साल सरकार में रहने के बाद वोट परसेंटेज बरकरार रहना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इसी कारण से हमें विश्वास था, हमें भरोसा था कि हमारी सरकार ने जो काम किया, खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के, सोनिया जी के दिशा निर्देश में, हमारी सरकार ने, प्रियंका जी के सहयोग से हमारी सरकार ने जो स्कीम लेकर आए, बेहतरीन स्कीम लेकर आए, उसका नतीजा हमने जमीन पर देखा है। लोगों का विश्वास हमने हासिल किया है। हमारी भरोसे की सरकार रही, हमने लोगों का भरोसा भी जीता। चुनाव हम हारे, सरकार हम नहीं बना पाए, हम निराश तो हुए हैं, लेकिन हताश नहीं हुए। कारण कई हैं, उनकी हम डिटेल में समीक्षा कर रहे हैं, और सभी लोग, सभी साथियों ने मिलकर हाई कमांड को, हमारे शीर्ष नेताओं को ये विश्वास दिलाया है कि बेशक हमारी उम्मीद से थोड़ा कम रहना कि सरकार ना बने, लेकिन लोगों का विश्वास हमने खोया नहीं है। और लोग अभी भी हमारे ऊपर नजर डालें, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, सभी साथियों ने विश्वास दिलाया है कि हम आगे मिलकर फिर से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। हमारे लोगों ने प्रदर्शन भी अच्छा किया। हम कारण देखेंगे कि कई जगह वोट हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा रहा, लेकिन कई जगह हमारा वोट मार्जिन बहुत ज्यादा हमारे पक्ष में भी रहा, तो कोई एक ऐसी बात नहीं है पैटर्न की बिल्कुल एक तरफा कोई चुनाव हुआ हो, ये कहीं देखने में नहीं आ रहा। तो इन चीजों को देखते हुए डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा इन बातों का। महिलाओं की बात जहां तक है, ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष में इतनी महिलाओं को हम जिताकर लाए, क्योंकि अब विपक्ष में हो गए इसलिए कह रहे हैं। 18 महिलाओं को टिकट दिया था सभी ने मिलकर, उनमें से 11 महिलाएं जीत कर आईं। इसी तरह से
कुछ एरिया में थोड़ी कमजोरी रही और किसी जगह हमको बहुत ज्यादा समर्थन मिला। किसान ने, गरीब ने हमारा साथ दिया है। जो जहां हमें लग रहा है कि कुछ कमियां रही, उन कमियों को आने वाले समय में, अब हमने, आप ये मत समझ लीजिए कि ये चुनाव खत्म हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया। हमारे साथी, हमारे वर्कर, हमारे नेतागण हर जगह हर कोने में जाएंगे और फिर से लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ाएंगे और लोकसभा में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।